रज़ालीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दरूद मिलकर बावाज़े बुलंद हदिया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल अर्ज़ा वस्समावाति वल उला वमा बैनहुमा वमा तहतस सरा अल्लज़ी फला यरा वक़रबा फशहिदन नजवा वलहुल हम्दु फिल आखिरति वल उला वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुस्तफा व नबी हिल मुर्तजा व हबीब हिल मुज्तबा अल्लज़ी मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा व आलिहित ताहिरीना मिन कुल्ले ज़म्बिन व खता व शाकिरीना फी शिद्दते व रखा व साबिरीना फिश शदा इदे वल मसा इबे वल आज़ा अल्लज़ीना हुम मसाबिहुल हुदा। अम्मा बाद, قال الله تعالى في القرآن الأعلى، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات بآواز इजाज़त है सरकार गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए, क्योंकि अली का नाम जवानों के लिए ढाल है, बच्चों के लिए अमान का तावीज़ है, बुजुर्गों के लिए असा है, माओ बहनों के सर की चादर है, अल्लाह के दीन की हिफाजत है। सलामत हूं, बस दो जुमले फजाइल के, ताकि जो मोमिनीन जवान बुजुर्ग हमारे बच्चे आए हैं उनको हदियतन और जिक्र मसाइब। अगर आपका आप आमादा हों और आप इजाजत दें तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जितने जाकिरीन को सुना है, मेरा भी दिल चाह रहा है कि सराय की जबान के कुछ मिसरे आपको सुनाऊं। तवज्जो है आप, खाली माशाल्लाह नहीं, मेल के बावाज़े बुलंद सलवात हदिया करें। ये मिसरे पढ़ के मुझे अंदाजा होगा कि बात कहां तक लेके जाना चाहिए, कहां रोकनी चाहिए। मैं मिसरे यहां से पढ़ूंगा और चेहरे यहां पे पढ़ूंगा, बड़ी तवज्जो चाहते हुए कि खुदा दिया जितनिया भी नेमता हैं, बेदार हो गए। दायरा दीन पनाह के बुजुर्ग शायर हैं हमारे, मौला उन्हें सलामत रखे, मुस्तफा खादिम साहब, वो फरमाते हैं खुदा दिया जितनिया भी नेमता हैं, गर्देवी साहब, खुदा दिया जितनिया भी नेमता हैं, शके दा शाने नजूल एक जागो। खुदा दिया जितनिया भी नेमता हैं, यके दा शाने नजूल एक। वो फरमाते जिती नबी पठे ने साज तई, मुश्किल सराय की है, जितने नबी आज तक अल्लाह ने भेजे, जिती पयंबर जिती नबी पठे ने साज तई, यके दा शाने नजूल हेक, यके दा शाने नजूल हेक। ओ फरमेंदन ऊ हेक दी हिक्का कसम है मैं को, ऊ हेक दी, ऊ हेक दी, ऊ हेक दी हिक्का कसम है मैं को, जो गहल मैदी विसौ दी हेके, ओ शख्स ला रैब हे हलाली चंदे लहू च अली दी। जी हैं सलामत रहे, मौला आपको सलामत रखे, ये उठे हुए हाथ सलामत रहे। इरशाद रब्बानी है, कलाम पाक की एक आयत जो मैंने तिलावत की है,
या यूं क्यों ना कहूं कि अल्लाह के कलाम की जिस आयत के सामने दस्ते अदब जोड़ के मैंने दरखास्त की कि हमारी उंगली पकड़ के विलायत अली के कुछ जीनों की बुलंदी पे लेके चल, तो इरशाद रब्बानी हुआ कि अल्लाह की इताअत करो। बड़ी तवज्जो, बगैर वक्त जाया किए हुए, बगैर किसी तमहीद के मैं आपके अजहान आलिया तक जुमले पहुंचाने लगा हूं। किसकी इताअत करो? अल्लाह की। दूसरी इताअत रसूल खुदा की। तीसरी इताअत उलिल अम्र की। बड़ी तवज्जो मखदूम साहब, आपसे दुआ लेते हुए मौला आपको सलामत रखें, आपका साया सलामत रहे, कारवान शम्स की ये सही और मेहनत मालिक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं बड़ी तवज्जो चाहते हुए, मेरी सआदत के आप तशरीफ ले आए, आपके होने का फायदा उठाते हुए दो जुमले मैं कहना चाहता हूँ। इताअत करो अल्लाह की, पहली इताअत। दूसरा, इताअत करो रसूल खुदा की। बेदारियां चाहिए मुझे, कितनी इताअतें हो गई? दो हो गई। तीसरी इताअत उलिल अम्र की। तवज्जो होगी तो बात मैं किसी बामे उरूज तक लेके जाना चाहता हूं, लेकिन बड़ी तवज्जो चाहते हुए, ये कौन सा महीना है? माह रमजान है। क्योंकि जी मैं अनपढ़ सा आदमी हूं, मुझे थोड़ा थोड़ा आप समझाते आएंगे तो मुझे बात आगे पहुंचाने का कुछ। माह रमजान है, ये किसका महीना है? अल्लाह का महीना है। इससे पहले कौन सा महीना है? शाबान है, वो किसका महीना है? रसूल खुदा का। शाबान से पहले पक्की गल है, ये जितने बंदे चुप बैठे हैं आपको कोई शक है कि शाबान से पहले रजब? रजब किसका महीना? सरकार अमीर का। बेदार होकर लफ्ज सुनिएगा। अच्छा, कलमा क्या है? मैं पढ़ देता हूं, आप बताइएगा कि मुझे आता है या नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह वसीयु व खलीफतुहु। ऐसे ही है, मैंने सही पढ़ा? यानी बड़ी तवज्जो चाहते हुए, इताअतें कितनी हैं? तीन। कुरान हकीम में इरशाद रब्बानी है, अल्लाह की इताअत करो, नबी की इताअत करो। तफासीर की तरफ मुझे जाना नहीं, इसलिए तर्जमे को तफसीर के मुताबिक ढाल के कहता हूं कि अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और अली की इताअत करो। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो, कलमे में भी तरतीब यही है कि पहले अल्लाह की तौहीद मानो। बेदारियां चाहिए मुझे, मैं कोई जुमला आप तक पहुंचाना चाहता हूं। फिर रसूल की रिसालत पे ईमान लाओ, रसूल की रिसालत के बाद विलायत अली पे आ जाओ। बड़ी तवज्जो चाहते हुए, कुरान की तरतीब भी यही है, कलमे की तरतीब भी यही है। यानी कुरान में भी पहले अल्लाह फिर नबी फिर अली, कलमे में भी पहले अल्लाह फिर नबी फिर अली, ये है आईन इस्लाम। बेदार होके, ये आज के दिन आप बात नहीं समझेंगे तो फिर कब समझेंगे? ये है आईन इस्लाम। आईन कहते हैं कानून को, कानून दीन यानी दीन इस्लाम की शरीयत है। शरीयत का कानून क्या है? पहले उसकी वहदानियत मानो, फिर उसका महबूब मानो, फिर उसके वली को मानो। ये है मानना। अब मानने के बाद करना क्या है? अमल है। मानने के बाद क्या है? ये है ईमान। ईमान के बाद अकीदा। अकीदे में है अमल। अमल के लिए नमाज पढ़ना होगा, रोजा रखना होगा, हज करना होगा। बड़ी तवज्जो जाते हुए आपका लक्ष्य पहुंचाने लगा हूं। ईमान में पहले अल्लाह फिर नबी फिर अली। जब अमल के मैदान में आओगे, कोई मेरे अली का जितना भी इनकार करे करता रहे, लेकिन जब अमल के मैदान में आएगा कि परवरदिगारा तेरी नमाज पढ़ रहा हूं, तेरे लिए रोजे
रख रहा हूँ, तेरे लिए हज कर रहा हूँ। अल्लाह कहता है मैं नहीं मानूंगा, माबूद कैसे मानेगा। आवाज दे के कहता है कि पहले अली को मानो, वो कहेगा मैं नहीं मानता। अल्लाह कहता है पहले अली को मानो, वो कहता है मैं नहीं मानता। उसने इंतजाम ऐसा कर दिया कि अच्छा नहीं मानता फिर मेरी इबादत करता रहे लेकिन मुझ तक पहुंच नहीं सकता। माबूद कैसे, पहले अली का महीना आएगा। किबला की आमद पे बारे दीगर बावाज़े बुलंद सलवात। तवज्जो है ना, मौला आपको सलामत रखे, ये उठे हुए हाथ सलामत रहे। अब मेरा हौसला और बुलंद हो गया क्योंकि सैयदुल औलिया का जिक्र हो और पहली सफ में सैयद आ जाए। बड़ी तवज्जो चाहते हो, कोई ना माने मेरे अली को फर्क कोई नहीं पड़ता क्योंकि मेरे नबी ने कहा मैं इल्म का शहर हूं, मेरा दरवाजा अली है। अब जो मुजरिम हो वो दीवारों से आए। बड़ी तवज्जो, लेकिन जो मेहमान हो, जिसे बुलाया गया हो, जिसका इस्तकबाल करना हो, वो दरवाजे से आता है। बड़ी तवज्जो चाहते हुए लफ्ज पहुंचाने लगा हूं, वो दरवाजे से आता है और जो दरवाजे से आए वो शरीफ कहलाता है। अच्छा, आपने देखा कि महीनों में तरतीब अलग है। पहले अली का महीना, सलामत रहे शाहजी, मौला आप जवानियां सलामत रखें। मैं बड़ी तवज्जो चाहते हुए आपसे दुआ लेने के लिए लफ्ज कहना चाहता हूं, महीनों में पहले अली का महीना, फिर नबी का महीना, फिर अल्लाह का महीना। कलमे में और कुरान की आयत में पहले अल्लाह। भाई गौर तो करें ना कि मैं कुछ बात कहना चाह रहा हूं। कलमे में और कुरान की आयत में पहले अल्लाह, जब अमल के मैदान में आओ तो अल्लाह पहले नहीं मिलता। जागो जागो जागो, अल्लाह दोनों हाथ बुलंद कर। अल्लाह पहले नहीं मिलता, मानना उसी को पहले है। जुमला अगर आप आमादा हो तो मैं फिर आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि ये जुमला कहूं या ना कहूं। मैं मिंबर से पहली मर्तबा ये जुमला कहने जा रहा हूं और ये जनाब सैयदा की भीख है मेरी। मैं कोई मैं अपने जात पे नाज ना कभी किया है ना कभी करना है, जनाब सैयदा की तरफ से। या यूं क्यों ना कहूं, बाबे मदीनतुल इल्म पे जब बंदा जबीन झुकाए तो बीबी अपनी कनीज को भेज के कुछ खैरात दे देती है। मैं वही खैरात यहां से निछावर करने लगा हूं। कौन अपने दामन में कितनी समेट जाए ये आपका अपना जर्फ है। मैंने पहले कहा तरतीब जहन में रहे, कुरान की आयत में पहले अल्लाह, फिर नबी, फिर अली। ईमान और अकीदे के मैदान में, अमल के मैदान में पहले अली, फिर नबी, फिर अल्लाह। आपने देख लिया कभी पहले अली आ जाते हैं, कभी पहले अल्लाह आ जाता है। आपने तवज्जो की नहीं बात पे, मैं पहले बड़ी तवज्जो चाहते हुए जुमला कहने जा रहा हूं और मिंबर से पहली भाई मैं ये जुमला कह रहा हूं। आपने इस जुमले को अगर कबूल कर लिया तो फिर पाकिस्तान में पढ़ा जाएगा तरतीब में कभी पहले अली, कभी पहले अल्लाह। आपने गौर किया नहीं कि पोजीशन जिसकी महफूज है उसे नबी कहते हैं। मौला सलामत रखे, ये उठे हुए हाथ सलामत रहे। मेरे शहीद उस्ताद अलामा नासिर अब्बास फरमाया करते थे, हाथ उठता उसी का है जिसे अली खैरात दे रहे हो। आपके क्या कहे, मौला आपको सलाम जियो सलामत। मौला इन हाथों को किसी का मोहताज ना करे। जी हैं, वाह 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 हुजूर, कातिल क्या जो भी सवाली बन के आए, झोली फैला के जो भी आया, जिसने जो मांगा उसे इन्होंने दिया। आप खैरात कह रहे हैं, ये अपने ना मानने वाले को सांस लेने के लिए हवा देते हैं। पोजीशन महफूज किसकी है,
तरतीब बदल रही है पहले की और आखिरी की, लेकिन जो दरमियान में है वो महफूज है, उसकी पोजीशन तब्दील नहीं हो रही, वो अपने मयार पे कायम है, ना उसका मयार बदल रहा है ना उसकी तरतीब बदल रही है। मैं बड़ी तवज्जो चाहते हुए कहता हूँ, कौन नबी? मेरा नबी वो है, ये जुमला आप नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा? मेरा नबी वो है कि अरब के काफिर जब इस्लाम का कलमा नहीं पढ़ते थे, नबी के किरदार का कलमा पढ़ के सादिक भी कहते थे, अमीन भी कहते थे। इजाजत है ना? है इजाजत? ये जुमला मुकम्मल कर दिया जाए। महफूज है मेरे नबी की ओहदा पोजीशन। क्यों महफूज है? क्योंकि हमें अल्लाह भी नबी ने दिया, हमें अली भी नबी ने दिया। अब तवज्जो हो तो मैं जुमला कहूं और इसकी मैं तफसीलात में जाना नहीं चाहता, और बगैर तमहीद के आपके अजहान आलिया पे एतमाद रखते हुए, क्योंकि मुझे पता है कि मोमिन किसी इलाके का भी हो उसके चेहरे की मुस्कुराहट को अली कहते हैं। मैं बड़ी तवज्जो चाहते हुए आपके मुस्कुराते हुए चेहरों को देखते हुए ये जुमले आपके दिलों पे नक्श करना चाहता हूँ। मैं बड़ी तवज्जो चाहते हुए लफ्ज कह रहा हूँ, अल्लाह भी नबी ने दिया, अली भी नबी ने दिया। आप आमादा हो तो फिर जुमला आपको देने लगा हूँ, वो अली भी नबी ने दिया, ये अली भी नबी ने दिया। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, अरबी का कुलिया है, जब दो चीजें एक जैसी हों, किबला शे और नून का इजाफा हो। बड़ी तवज्जो, अब मैं कहने का हक रखता हूं और बड़े एतमाद के साथ, क्योंकि किबला गर्देजी साहब मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी और इनका होना मेरे लिए बिल्कुल ऐसा है कि जैसे मेरी पुश्त में एक ताकत आ गई, मेरा हौसला बुलंद हो गया, क्योंकि इनका होना हमेशा मेरे लिए सहारा रहा है। मैं बड़ी तवज्जो चाहते हुए इमरान भाई आपसे दुआ लेने के लिए ये जुमले कहने जा रहा हूँ, महफूज है नबी की पोजिशन। क्यों? क्योंकि वो अली भी नबी ने दिया, ये अली भी नबी ने दिया। मैं अब कहने का हक रखता हूँ, मेरा नबी वो है जिसने हमें अलीयैन दिए। जी, जो समझा है वो बात में बोल भी रहा है और हाथ भी उठ रहे हैं। हमें अलीयैन नबी ने दिए, हमें अलीयैन नबी ने दिया। अब मुझे नहीं पता ये महबूब और मुहिब की आपस की बातें हैं, ये क्योंकि चाहने वाले के दिल के अरमान क्या होते हैं, मोहब्बत करने वालों के जज्बात क्या होते हैं, मैं वो कैफियत बयान नहीं कर सकता। बस इतना कह सकता हूं कि जब मोहम्मद का दिल चाहता था कि उससे मिले तो वहां चला जाता था। जागो जागो जागो। जब मोहम्मद मुस्तफा का दिल चाहता था ला वजूद से मिले तो हाथ मिलाने। सलामत आबाद उशाद रहो। जिन्हें आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी बात, आहिस्ता आहिस्ता लोग बोल रहे तो उससे मिलने वहां चले जाते थे। जब दिल चाहता था अब तस्वीर से मिलूं तो सैयदा की चौखट पे आ जाते थे। बाबा से बुलंद सलवात है दिया था। क्योंकि मेरा अली हर बंदे को समझ आ नहीं सकता, क्योंकि इसके बाद एक जुमला है, मैं वो जुमला ना कहूं तो बात अधूरी रहेगी। किबला आपने हर बंदा जानता है इल्मे नजूम का नाम सुना होगा, जिसे अंग्रेजी में ऑस्ट्रोलॉजी कहते हैं। बड़ी तवज्जो, एक बड़ा नाम गुजरा है मैदान इल्मे नजूम में एक अंग्रेज का, जिसने इतनी तहकीक की इस इल्म पर कि उसे फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी कहा गया, यानी इल्मे नजूम का बाप। अब उसका एक मकाला है, आप कभी जितने ये गूगल पे अगर कोई सर्च करे कि हु इज फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी तो नाम लिखा हुआ आएगा एलन लियो। बड़ी तवज्जो, एलन लियो कौन?
इल्मे नजूम का जिसे बाप माना जाता है, जिसे फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, उसका एक मकाला है। उसके मकाले में से एक जुमला मुझे आप तक पहुंचाना है। वो कहता है कि मैं इल्मे नजूम की तरफ आया क्यों, समझिएगा। वो कहता है मैं तारीख का मुताला कर रहा था, मैंने देखा कि एक अरब का माहिर इल्मे नजूम सफर करते हुए कहीं जा रहा था, या रस्ते में उसकी नजर पड़ी एक लश्कर पर। एक अरब के माहिर इल्मे नजूम, ये एलन लियो अपने मकाले में लिख रहे हैं, अपने रिसर्च पेपर में उन्होंने लिखा। वो कहते हैं मैंने पढ़ा कि एक अरब माहिर इल्मे नजूम उसकी नजर पड़ी एक काफिले पे। इमरान भाई बड़ी तवज्जो चाहते हुए मैं ये लफ्ज पढ़ने लगा हूं और उसके बाद एक एक चेहरा पढ़ूंगा। वो फरमाते हैं उस माहिर इल्मे नजूम ने काफिले को देखा, काफिले को देख के आसमान को देखा। जागो 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 जागो, सुबह का वक्त था, नमाज फजर का वक्त था, वो काफिला नमाज फजर पढ़ रहा था। इसने काफिले को नमाज में खड़े हुए देखा, फिर आसमान की तरफ देखा, फिर एक सिपाही इसके पास से गुजरा, उसे बुला के कहता है जरा मेरे करीब आ। वो करीब आया, कहां जा रहे हो? उसने कहा जंग पे। कौन हो? कहा मुसलमान है। तुम्हारे सरदार का नाम क्या है? उसने बिस्मिल्लाह पढ़ के कहा अली इब्न अबी तालिब। सलामत। वो कहता है मैंने उसे कहा कि अपने सरदार से कहे, मैं तो नहीं जानता था कि अली कौन है। वो अरब कह रहा है कि मैंने अब उसे कहा अपने सरदार से जाके कहे कि जिस मैदान जंग में जा रहे हैं उस जंग में न जाएं। अली के सिपाही के तेवर बदले, तेवर बदल के कहता है क्यों ना जाएं, तू होता कौन है रोकने वाला? वो शेरे इलाही है। जागो जागो। इसने कहा मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मेरा तुम्हारे सरदार से तारुफ भी कोई नहीं, मैंने तो सितारों की चाल देखी है। उसके बाद कह रहा हूं कि अपने सरदार से कहो सितारे बताते हैं कि इस जंग में अली की शिकस्त है। बड़ी तवज्जो। वो कहते हैं अच्छा मेरे साथ चल, मेरे सरदार से खुद बात कर। अब जागिएगा, अब समझना उरे लामर कहते किसे हैं, मेरा अली है कौन। वो कहता है मेरे सरदार से चल के खुद जाके बात कर ले। आखिरी जुमला आप तक पहुंचाने लगा हूं और मैं देखूंगा कौन है जो जमीन पे बैठ सकता है इतने बड़े जुमले को सुनने के बाद। आवाज मेरे सरदार से चल के खुद बात कर। वो माहिर इल्मे नजूम, अरब का बड़ा माहिर इल्मे नजूम चलता हुआ सरकार अमीर के पास आया। नमाज खत्म हो चुकी थी, अली अपने दुलदुल के करीब आ चुके थे। इसने आके अली को सलाम किया, अली ने इसकी तरफ देखा, परेशान चेहरे को देख के अली कहते हैं परेशान क्यों है? कहता है सरकार सितारों की चाल देखी है। अल्लाह करे मैं ये लफ्ज ये जुमला समझा सकूं। कहता है मौला सितारों की चाल देखी है, सितारों की चाल आपके खिलाफ है। अली ने कहा तुझे पता नहीं सितारों की चाल हमेशा से मेरे खिलाफ है। आबाद शाह आप जी हैं। मौला उठे हुए हाथों को सलामत रखे। ये विलायत अली की मोहब्बत नस्लों में कायम रहे। कहते हैं मौला सितारों की चाल आपके खिलाफ है। मौला ने कहा अच्छा मैं ना जाऊं? कहता है मौला मैं तो यही कहूंगा कि ना जाइए, इज्जत बच जाएगी। सरकार ने फरमाया अच्छा। सरकार ने पहला कदम अपने रहवार की रकाब में रखा या कुरान ने बिस्मिल्लाह पढ़ी? सरकार ने कदम रखा रकाब में, रकाब में पहला पांव रखा, इसके चेहरे की तरफ देख के कहते हैं अब सितारों को देख। अभी अली का दूसरा कदम रकाब में आया नहीं था या कदमों पे गिर के कहता है सच बता तू कोई नबी है या कोई वली? उजड़ गई अली की बेटियां परदेश में। हमारा कह देना आसान, आपका सुन लेना आसान,
हदीसे हैं कि हर यतीम का वाली अली है, तो मैं कहने का हक रखता हूं आज यतीमों के वाली की बेटियां यतीम हो। अल्लाह यौम आशूर से कम तो नहीं है आज का दिन। आज के दिन जब गलियों में निकलो इस तरह से निकलो तुम्हें देख के पता चले इसका कोई नुकसान हो गया। एक मिन्नत करता हूं मेरे शहीद उस्ताद अल्लामा नासिर अब्बास फरमाया करते थे आज के दिन अगर कोई सलाम करे तो हाथ जोड़ के कहना भाई हमें सलाम ना कर, सलाम वाला घर उजड़ गया। अल्लाह मेरा दिल चाह रहा है दो जुमले वो कहूं जो मुझसे पहले मेरा भाई अभी पढ़ गया है, उसने मुख्तसर किया, मैं जरा तफसील में इशारे करके जल्दी से गुजर जाऊं। सरकार अमीर कूफे में आ गए, बड़ी तवज्जो, ये भी माह रमजान के बाद ईद आएगी, बाजार भरे हुए हैं, लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ हैं। मेरा सलाम मेरी उन बहन बेटियों पे जो इन ईदों को यूं सादगी से मनाती हैं जैसे जहरा जाइयों ने कूफे में ईद मना। अल्लामान अल्लामान मैं ये नहीं कहता कि ईद नहीं है, ईद है, लेकिन मनाओ ऐसे जैसे मासूमीन ने मनाई। रावी कहता है मैंने एक मर्तबा देखा मैं रसूल खुदा के रोजे पे गया, फिर मेरा दिल चाहा ईद का दिन है मैं नबी के बेटे को सलाम करूं। ये कहता है मैं छठे इमाम के घर गया, मैंने दक्कल बाब किया, कहता है मेरा इमाम रोता हुआ बाहर आया, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, सियाह लिबास पहना हुआ था, मोमिन कहता है मौला आज ईद का दिन है, मौला आज ईद के दिन ये हालत बना के आप क्यों खड़े, मौला लोग क्या कहेंगे। ये कहता है मेरे इमाम ने मातम करके कहा इंसाफ कर लोगों ने हमें कौन ईद मनाने। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, हाथ प्यारे ना करना आज के दिन, जिसके हाथ हैं वो सीने पे मातम करे, अल्लाह जाने कल कौन हो कौन ना हो। ये माह रमजान की ईद उल फित्र और दूसरी ईद है ईद कुर्बान। गिन कर दो ईदें हैं मुसलमानों में, मुसलमानों ने दो ईदें आले मोहम्मद को आले मोहम्मद ने दी हैं, मुसलमानों ने दोनों ईदें आले मोहम्मद की उजाड़ दी। तुम्हारे मातम के लिए एक लफ्ज कहता हूं ईदें दो हैं उजाड़ने वाला शहर एक कूफा। अल्लामान अल्लामान ईद कुर्बान पे मुस्लिम की बेटियां यतीम हुई। अल्लाह अकबर, आपने लफ्ज सुन लिया ईद कुर्बान पे मुस्लिम शहीद हो गया, सफीर हुसैन परदेश में शहीद हो गए, ठीक एक महीने के बाद इसी शहर कूफा में अली की बेटी इस अंदाज में कूफे शहर में 12 मुहर्रम को आई, या कूफे के सदर दरवाजे पे बाहर काफिला रोका गया, या सदर दरवाजे के बाहर एक आवाज आई अस्सलामु अलैके या बिन्त रसूलिल्लाह, या बीबी ने आवाज दे के कहा अम्मा फिजा दुआ मांग ज़ैनब मर जाए, आवाज आई अम्मा दुआ मांग ज़ैनब मर जाए, आवाज आई ज़ैनब क्यों मरने की दुआ, आवाज आई अम्मा ये कूफा है ये मेरे पापा का दारुल खिलाफा था, मैं कैदी हो गए बेरिदा हो गए, आज आई हूँ किसी अजनबी ने मुझे सलाम किया, या तेरा 24 साल का ज़ईफ इमाम और मुंह पे मातम करके कहता है अम्मा कोई अजनबी नहीं, और वो देख कूफे के दरवाजे पे हम मुस्लिम की लाश बेसर लटकी हुई सलाम करके कह रही है अली की बेटी मेरा सलाम। इन्ना लिल्लाह है